फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी। स्टोरी में बोल के भी बताती हूँ, समझा के भी देती हूँ। आप सिर्फ सुनने का काम करो और बाद में लर्न भी करना। अब स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द क्रो। क्या नाम है? द फॉक्स एंड द क्रो। वन डे ए क्रो वॉज सिटिंग ऑन द बंच ऑफ ए ट्री। जो कौवा था वो कहाँ पे बैठा था? एक दिन वो घूम रहा था, घूमते घूमते कहाँ पे बैठा? वो ट्री में बैठा, यानी कि ट्री जो बंच रहता है जो ट्री का, वहां पे क्या कर रहा था? वो बैठ गया था। शी हैड अ पीस ऑफ चीज इन हर बीक, यानी कि उसमें चोच, उसके चोच में क्या था? बीक यानी चोच। उसके चोच में क्या था? चीज था। आपको पता है ना चीज कैसे लगते है? तो खाने में पिज्जा के ऊपर चीज रहती है ना, वैसे उसके चोच में क्या था? कौवे के चोच में, उसके बीक में क्या था? चीज था। ए फॉक्स वॉज पासिंग बाय, ही सॉ द क्रो विद द चीज, हिज माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग। फिर क्या हुआ? ए फॉक्स वॉज पासिंग बाय, उसके पास यानी कि कौवा तो कहाँ पे खड़ा था? ट्री पे, लेकिन उसके नीचे ही कौन था? फॉक्स था। फॉक्स है ना कोल्ला, आपको पता है। वो कहाँ पे था? नीचे खड़ा था। नीचे खड़ा होके उसने क्या देखा कि कौवे के बीक में क्या था? चीज था। तो उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। तो वो जो फॉक्स था, उसको चीज देकर उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो बहुत अच्छा था ना चीज, इसलिए। ही थॉट ऑफ अ प्लान, फिर क्या किया फॉक्स ने? कुछ सोचा। क्या सोचा वो अभी देखते हैं। ही से टू द क्रो, टू द क्रो, ओ क्रो यू हैव सच अ स्वीट वॉइस, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। फिर उसने क्या किया, यानी फॉक्स ने किसको कहा? कौवे को कहा कि आपकी जो आवाज है, स्वीट स्वीट आवाज, वो क्या है? बहुत मधुर है, यानी कि बहुत ही स्वीट है। क्या आप मुझे गाना सुना सकते हो? ऐसे ऐसे फॉक्स ने क्या किया? कौवे की यानी कि क्रो की तारीफ की। फिर कौवे ने क्या किया वो भी मैं बताती हूँ। द सिली क्रो ओपन हर माउथ एंड स्टार्टेड सिंगिंग। फिर कौवे ने क्या किया? अभी वो तो मूर्ख था, उसने क्या किया? अपना बीक खोला, यानी कि मुंह खोला, और गाना बोलना शुरू कर दिया। किसने? क्रो ने। क्रो ने अपना सिंग योर सॉन्ग सॉन्ग बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मुंह खोला तो क्या हुआ? कौवा अपना क्या कर रहा था? सॉन्ग बोल रहा था। तभी उसके मुंह में जो चीज थी वो कहां पे गिरी वो देखो। द चीज फेल फ्रॉम द क्राउस, द क्रोज बीक, द फॉक्स टुक द चीज एंड वॉक्ड अवे हैप्पीली। फिर क्या थे जो उसके बीक में जो चीज थी वो क्या गई? ऊपर से नीचे गिर गई। नीचे कहाँ गिरी है? फॉक्स के मुंह में। फिर वो चीज क्या की फॉक्स ने? उठाई वो चीज अपने मुंह में ली, और फॉक्स क्या कर रहा था? खुश होके वहां से चला गया। यानी कि इसमें मूर्ख कौन था? कौवा, जो सिंग यानी कि गाना बोलने के लिए शुरू किया, और जो चीज थी वो नीचे गिर गई, वो फॉक्स को मिल गई। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका मोरल पता है क्या था? इसका मोरल था, सेल्फिश पीपल स्पीक स्वीट वर्ड्स टू सर्व देयर ऑन एंड्स। मतलब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को अपनी बातें निकालने के लिए क्या करते हैं? स्वीट स्वीट बातें करते हैं, और क्या करते हैं? स्वीट स्वीट बातों से वो अपना मतलब निकाल लेते हैं। तो ये इसी स्टोरी से आपको यही सीख मिलती है। चलो मैं एक बार स्टोरी बताती हूँ, आप सुनने का काम करो। वन डे ए क्रो वॉज सिटिंग ऑन द बंच, शी हैड ए पीस ऑफ चीज इन हर बीक। ए फॉक्स वॉज पासिंग बाय, ही सॉ द क्रो विद द चीज, हिज माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग। ही थॉट ऑफ प्लान, ही सेड टू द क्रो, क्रो यू हैव सच अ स्वीट वॉइस, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। द सिली क्रो ओपन हर माउथ एंड स्टार्टेड सिंगिंग, कौ को कौ। द चीज फेल फ्रॉम डाउन थ्रू द क्रो इट्स बिग, द फॉक्स टुक द चीज एंड वॉक अवे हैप्पीली। और इसका मोरल था, सेल्फिश पीपल स्पीक स्वीट वर्ड्स टू सर्व देयर वन एंड्स। ओके, चलो थैंक यू।